पाकिस्तान के ये दोनों दिन बड़े खराब रहे। आई थिंक टॉस पे उनका फैसला बड़ा गलत था। आज बॉलिंग में जो मर्जी हो जाए, फील्डिंग में जो मर्जी हो जाए, जो उनकी बैटिंग मदन जी जो देखने को मिली है पाकिस्तान की, हारे हैं। अब एक तो इंडिया का कल मैच है श्रीलंका के साथ ही है, इंडिया को वो मैच जीतना होगा, बट अगर इंडिया श्रीलंका को हरा देता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना होगा। मीन्स कि श्रीलंका इंडिया कल एंड टू एन एक्सटेंट श्रीलंका पाकिस्तान, ये दो मैचेस तय करेंगे कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मदन दोस्तों जी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये वही पाकिस्तान टीम है जो कि जिम्बाब्वे खिलाफ बदतरीन शिकस्त के बावजूद वर्ल्ड कप का फाइनल खेली। आज भी हमें कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन दोस्तों दिल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इंशाल्लाह श्रीलंका को शिकस्त देकर एशिया कप का फाइनल खेलेगा और भारत को शिकस्त भी देगा। लेकिन दोस्तों आज की जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, उसकी क्या वजूहत है, इस वाले से हम देखेंगे विक्रांत वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत खुश होंगे आप। ये बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि देखिए ये एक मैच ना दो नतीजे दे गया। एक तो ठीक है ये वाला मैच इंपॉर्टेंट था, सुपर फोर का मैच था, मार्जिन देखा आपने भाई। मैं तो सवाल ये करता हूँ कि पिछले हफ्ते जो मैच कैंडी में हुआ जहाँ इंडिया ने 266 बनाए, तो बरसात आ गई थी तो भाई बड़ी आवाज आ रही थी क्योंकि यार बरसात ने इंडिया को बचा लिया। मैं तो कहता हूँ कि भाई इनकी बैटिंग देख के क्या ये 266 उस दिन चेज भी कर पाते, मतलब एक तरह से इंडिया की दूसरी जीत होती। बट आई थिंक ये बड़ी जीत है ऑल सेड एंड डन। पाकिस्तान के ये दोनों दिन बड़े खराब रहे। आई थिंक टॉस पे उनका फैसला बड़ा गलत था। आज बॉलिंग में जो मर्जी हो जाए, फील्डिंग में जो मर्जी हो जाए, जो उनकी बैटिंग मदन जी जो देखने को मिली है पाकिस्तान की, आई थिंक मैंने इससे पहले इतनी लचर बैटिंग नहीं देखी है कभी पाकिस्तान की। हाँ बिल्कुल विक्रांत आपने सही कहा, क्योंकि उन्होंने इंटेंट दिखाया नहीं पहले पहले ओवर से ही, उन्होंने पहले ओवर से ही मैंने देखा उन्होंने कोई ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया कि जिसको रन करने के लिए जा रहे हैं। बट इसमें हमारे बॉलर की तारीफ करनी चाहिए जितनी ज़्यादा, उन्होंने भी रन बनने नहीं दिए। देखिए हमारे बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, एक बॉल उनका बैट को टच नहीं होने दिया और जो विकेट निकाले हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉल पे विकेट निकाले हैं, चाहे वो हार्दिक पांडे हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो शरदर ठाकुर हो या मोहम्मद सिराज हो, टॉप क्लास की बॉलिंग मैं समझता हूँ की। और कुलदीप यादव को तो रीड ही नहीं कर पाए। सनी भाई बड़ी जीत, और अब मुझे लगता है कि एक तरह से ये पाकिस्तान के लिए भी रियलिटी टेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि भाई उनकी बॉलिंग थी, लेकिन आज जब उनके नए बॉल पे उनको विकेट नहीं मिली, उन्होंने एक तो रन इतने खा दिए। मुझे फिर उनकी बैटिंग को लेकर भी बात आती है। अब क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से इस एशिया कप के समीकरण देखें सनी भाई, इंडिया ने कल खेलना श्रीलंका से, और मुझे लगता है कि इन कंडीशंस में श्रीलंका भी अच्छी टीम है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर इंडिया जीतता है और श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे तो हो सकता है कि फिर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में भी ना जाए। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, और यही तो एक डर था। अगर आज का खेल भी अगर वॉश आउट होता तो ये डर था कि क्या भारतीय टीम फाइनल पहुंच सकेगी कि नहीं, क्योंकि अगर आगे की सारे मैचेस भी अगर वॉश आउट होते तो फिर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में फाइनल होता। पर आज जितनी जबरदस्त विक्ट्री इस्तेमाल किया है, हासिल की है भारतीय टीम ने, तो पूरी तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस उससे अभी 228 रन से जीते सनी भाई, ये पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट एवर मार्जिन है पाकिस्तान के ऊपर 228 रन से, कभी इससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान को हराया नहीं था। अरे बिल्कुल धुला दिया यार, बिगेस्ट विक्ट्री क्या धुला दिया, पूरी तरह से धुला दिया, जैसे कि धोबी घाट पर जाके कपड़ा मार के धप 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 करके धुलाते ना, वैसा धुला दिया। स्कार्स पाकिस्तान के लिए इस हार से जी, क्या पाकिस्तान टीम को इस मैच के उस स्कार्स जो हैं वो आगे जाके तंग कर सकते हैं, या फिर ये टीम जैसी है कि अनप्रेडिक्टेबल है, किसी दिन नरम किसी दिन गरम? देखिए क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आप अच्छी टीम हो, अच्छे खिलाड़ी हो, तो पिछला पिछला जो रिजल्ट है उस पर आप ध्यान नहीं देते। पिछला गेंद जो है, अगर आप बल्लेबाज हो, आप बीट हो गए हो, आपका कैच ड्रॉप हो गया हो, तो आप उसके बारे में नहीं सोचते, आगे की गेंद के बारे में सोचते। बॉलर भी यही सोचता है, अगर छक्का मार दिया उसको, वो आगे की गेंद के बारे में सोचता है, पीछे की गेंद के बारे में नहीं। अगर वो पीछे की गेंद के बारे में सोचने लगा, पिछला जो उसके बारे में सोचने लगा, तो फिर आगे के मैच के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम वैसा नहीं करेगी, वैसी गलती नहीं करेगी, और आगे जाकर जो उनके मैचेज है श्रीलंका के खिलाफ, वहां पे जोर लगाकर खेलेगी। पाकिस्तान के लिए वो मस्ट विन मैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुपर फोर में इंडिया से हार गए हैं और बड़े मार्जिन से हारे हैं, जो बांग्लादेश को उन्होंने हराया था।
आज उनका जो नेट रन रेट है वो काफी गिर गया होगा, विच मीन्स कि श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए। हालांकि अभी इंडिया ने भी एक ही मैच जीता है, इंडिया ने कल श्रीलंका को बैक टू बैक खेलना है, बट आई थिंक जो सनी भाई एक फिक्र थी कि यार इंडिया ने आज 50 ओवर बॉलिंग करनी है, कल फिर से 50 ओवर कैसे होंगे, आई थिंक वो एक तरह से नलीफाई हो गया, क्योंकि आपको फास्ट बॉलरों से ज्यादा बॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ी। शाम को आपने बॉल डाला, वार्म अप भी हुआ, कुलदीप यादव ने आके जो बॉक्सेस रह गए थे ना एक दो, पहले हमने राहुल को देख लिया, विराट को देख लिया, जो कुलदीप यादव ने आके 5 आउट किए हैं वो बॉक्सेस आज कंप्लीट हो गए हैं सर। जी बिल्कुल, पर सबसे बड़ी बात क्या है कि केएल राहुल ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, वो जब पूरी पाकिस्तान इनिंग्स में उन्होंने कीपिंग की, विकेट कीपिंग की, मतलब फिटनेस पर जो भी सवाल था उसका उन्होंने करारा जवाब दे दिया। खैर हम बात कर ही रहे थे कि उनका काफी सारे इंडियन फैंस भी हैं, और ये नितिन थोड़े दिन पहले तक बात हो रही थी, इनफैक्ट आज भी बात हो रही थी कि यार जो इंडिया ने कैंडी में 266 बनाए तो वो लोग कह रहे थे यार आप बच गए, बरसात ने बचा दिया। मैं तो अब ये कहता हूँ कि भाई वहां पे तो इनसे 266 भी चेज नहीं होने थे। जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, जीत गया भाई जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया। जी बिल्कुल, कि भारत की इस जीत के ऊपर में दिल्ली में किस तरीके का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, और जिस तरीके से ये मैच 2 दिन गया, पहले दिन बारिश ने परेशान किया, भारत ड्राइविंग सीट पे था, आज जब मैच की शुरुआत हुई वो भी लेट शुरुआत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में ये जरूर विश्वास था कि भारत इस मैच को जीतेगा, और लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी भारतीय जो तिरंगा है उसको लेकर आया है। थोड़ा सा ना पाकिस्तान के लिए दिक्कत होगी, बिकॉज आप आज अगर 228 रन से हारे हैं, अब एक तो इंडिया का कल मैच है श्रीलंका के साथ ही है, इंडिया को वो मैच जीतना होगा, बट अगर इंडिया श्रीलंका को हरा देता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना होगा, क्योंकि तो पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत नीचे आ गया, 2 में से 1 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं, उनका जो नेट रन रेट है वो -1.8 है। इंडिया का ऑब्वियसली पॉजिटिव में एक ही मैच सुपर फोर का उनका इंडिया का है 4.5 का, तो विच मीन्स कि श्रीलंका इंडिया कल एंड टू एन एक्सटेंट श्रीलंका पाकिस्तान ये 2 मैचेस तय करेंगे कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे मदद में। क्या मेरी आवाज मदन जी तक पहुंच रही है? हाँ, नहीं मेरे आवाज आ रही है, मेरे आपकी आवाज आ रही है विक्रांत। देखिए ये थोड़ा सा हाँ ये जो मैं देखो कल श्रीलंका के जो 7 मैच हैं, मैं समझता हूँ कि आज के मैच की जीत के बाद हमारी टीम जैसे परफॉर्म किया है, हमें कल का मैच भी जीतना चाहिए, क्योंकि हमारे टीम ने जो इंटेंट दिखाया, जैसे बॉलिंग में जैसे जो हमें थोड़ी बहुत ही चिंता थी कुलदीप की, जैसे आपने बात की, जैसे आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, वो सारे जो बॉक्सेज है वो टिक हो चुके हुए हैं, और मोहम्मद सिराज तो रेगुलर खेल भी रहा है, और रविंदर जडेजा एक मजा हुआ बॉलर है, वो देखिए ऐसे जब एज ए टीम जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपके जीतने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और एक और जो अच्छी बात हुई, हमारे ओपनर्स ने जो अच्छा हमें स्टार्ट दिया उससे भी हमारा जो है टेम्पो बना है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम 2 वीक से मैं जी की आज इंडिया के लिहाज से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा क्योंकि इंडिया को जो जो बॉक्सिस चाहिए थे वो टिक हुए हैं, और कभी कभी इस तरह के मैच आते हैं, और इंडिया पाकिस्तान के मुकाबलों में अगर आप इस तरह का एक तरफा मैच देखें, क्योंकि हालिया क्रिकेट अगर आप देखें एक तरफा इन दोनों के बीच मैचेस हुए नहीं थे, एक तरफा मैच वो हुआ था वर्ल्ड T20 जब दुबई में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, या फिर 50 ओवर का जो 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन उसके बाद ये इतना वन साइडेड मैच 228, और कई पाकिस्तानी फैंस भी थे, उनका मीडिया भी था, और बड़े दिन से ये बात भी चल रही थी कि जी बरसात में